Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। कुर्बानी एक इस्लामी फरीज़ा है, लेकिन इससे मुंसलिक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। अरबों रुपए का जानवर खरीदो फरोख्त होता है, ट्रांसपोर्टेशन करोड़ों रुपए की दी जाती है, करोड़ों रुपए चारे पे खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए कसाई को दिए जाते हैं, लेकिन हुकूमत को इसका शेयर मिलता है या नहीं मिलता, एक सवालिया निशान है। हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में एंटीएन रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है वो कितना मुश्किल है और उसको कितना आसान होना चाहिए, उसमें क्या मसाइल हैं। हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब जाहिद अतीक साहब ने, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब अनवर काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 1% से ज़्यादा टैक्स जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, एक्टिव फाइलर जो हैं वो बहुत कम हैं। तो जो ये रजिस्ट्रेशन का निज़ाम है, आप क्या समझते हैं, ये कैसा है, क्या इसको सहल होने की ज़रूरत है या इसमें ये सही निज़ाम है? अनवर काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक बड़ा कोर इशू सेलेक्ट किया आज की गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में। किसी भी निज़ाम में टैक्स के सबसे पहला जो उसकी बैकबोन और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी एंट्रेस है। जैसे ही आपके पास टैक्स गुजार आता है आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ FBR में जो रजिस्ट्रेशन का निज़ाम है वो बहुत ही मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कम्बरसम है। टैक्स गुजार अपना NTA नंबर हासिल करने के लिए इब्तदाई तौर पर इतनी मुश्किल में फंस जाता है, वो इस निज़ाम से भागने की कोशिश करता है और अल्टरनेट तरीक़ों से अपना कारोबार चलाने के लिए कोशिशें शुरू कर देता है। काफ़ी देर से अपने कोशिशें की है, बार एसोसिएशन ने, चैम्बर्स ने भी इनको सादा तरीकाकार काफ़ी दफ़ा जो है वो सबमिट किए हैं, लेकिन ऐसा कोई FBR की तरफ से इस मौजू पे जो है वो सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आई कि टैक्स गुजार को फैसिलिटेट किया जाए, आसान फॉर्म बनाया जाए, आसानी से उसे रजिस्ट्रेशन दी जाए ताकि अपना काम शुरू करने से पहले नंबर ले सके। सही है। नहीं, लेकिन ये जो निज़ाम है, अगर हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दें, एक तो इंडिविजुअल का है जिस पे वो कहते हैं ऑनलाइन आप चीज़ें जमा करें, आपके सिम होनी चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अब जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों के पास सिम नहीं है, वहाँ पे वो उनके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, तो क्या वो NTN पे नहीं रजिस्टर्ड होंगे? अनवर काशिफ साहब, इस पे अगर थोड़ा सा हम देखें तो हमें पहले इस बात को गौर से देखना पड़ेगा कि हमारे जो FBR के ऑफिशियल्स हैं जब वो किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट क्या है, IT से मालूमात रखने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है। यहाँ पे जो है वो बैरून मुल्क ममालिक से जदीद तरीन जो है वो सॉफ्टवेयर इम्पोर्ट कर लिए जाते हैं या लोकली भी डेवलप कर लिए जाते हैं, उसके बाद उसे सिस्टम में चलाने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है और ऐसी रिक्वायरमेंट उस सिस्टम को चलाने के लिए उसमें इनरोल होने के लिए मांगी जाती है जो एक आम आदमी रूरल एरिया वाला क्या शहर में रहने वाले भी जो थोड़े से कम तलीम याफ्ता लोग हैं उनके लिए मुमकिन ही नहीं कि वो सारी सहूलियात मुश्किल लाके ले सके। आप समझते हैं ये डिस्करेजिंग सॉर्ट ऑफ एक एक्सरसाइज होती है, लोग सोचते हैं इस कंबसम उसमें प्रोसेस में जाने से बेहतर है हम टैक्स के लिए रजिस्टर्ड ही ना हो, आपका क्या ख्याल है इस बारे? जी अनवर साहब, ऐसा कहने में कोई मुजायका नहीं है कि FBR की तरफ से इतना कॉम्प्लिकेटेड नेशनल टैक्स नंबर जो एक हर शख्स का आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपना एक नंबर ऑब्टेन करे, जिस तरह से शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा से मिलता है इस तरह नेशनल टैक्स नंबर आसानी से मिलना चाहिए। इतना कम्बरसम और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि वो बस टैक्स गुजार फिर इसमें आते आते जो है दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है, और उसे डिस्करेज किया जा रहा है। बिल्कुल आपका तजिया इस पर दुरुस्त है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनमें कहा जाता है कि जी आप डॉक्यूमेंट लेके आए, वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करें और एक डायरेक्टर अपने आप वहाँ पे मौजूद हो तो वो उसको अपनी सिम लेनी है, ईमेल एड्रेस, तो ये भी मतलब किसी तरह मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं। जब आप या तो ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं तो आप उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगें, या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ना रखें। मैं आपसे इतफाक करता हूँ सर, FBR इस वक्त जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ तो वो इंश्योर करते हैं कि बंदे की अवेलेबिलिटी और दूसरी तरफ वो पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं।
जो भी शख्स एफबीआई के पास आ रहा है वो नादरा के पास अपना बायोमेट्रिक्स करवा के, अपनी वेरिफिकेशन करवा के, अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन करवा के, उसके तमाम क्वाइफ की जांच पड़ताल एफबीआई कर लेती है। और शनाख्ती कार्ड जब एफबीआई के सिस्टम में जाता है तो नादरा के साथ लिंक है, उसी वक्त नादरा उसको वेरीफाई कर देती है कि इसमें जो भी क्वाइफ है ये दुरुस्त है। शनाख्त सीएनआईसी जो नादरा से जारी कर दे, उसके बाद एफपीआर को मजीद किसी किस्म की जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यही सारा यही मेरा कहना है कि जब नादरा ने शनाख्ती कार्ड ले लिया तो जैसे बैंक अब बैंक अकाउंट खोल देता है, तो इस तरह आपको एनटीएन भी देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा करना चाहिए। और नादरा के बाद मजीद जांच पड़ताल की जरूरत तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है, ठीक है। और एक खाम हा की फॉर्मेलिटीज और रिक्वायरमेंट पैदा की गई है, फील्ड फॉर्मेशन। और ये सिर्फ सर ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, आप तो माशाल्लाह प्रैक्टिस समझते हैं, ये तो फिर उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन उस शख्स के घर पे जाके या उसके कारोबारी जगह पे जाके देखना, फिर उससे सवालात करना। सेल टैक्स में तो एक बहुत बड़ा ये हार्डशिप क्रिएट हुई हुई है कि सेल टैक्स के लिए जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं आजकल वेरिफिकेशन चाहिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन आपको भी पता है मुझे भी पता है वो कैसे होती है, उसके क्या क्या मसाइल है, उसमें क्या हाँ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन को इतना ज्यादा क्यों सिक्योर किया हुआ इन्होंने? सर सेल टैक्स का जो सबका हिस्ट्री थी उसमें लोग सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर को मिसयूज करते थे, लेकिन नहीं, अब एक मिनट वो रियल टाइम जाहिद साहब वो मिसयूज करते थे तो कनाइवेंस से मिसयूज करते थे ना, कनाइवेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। जी जी, वो अकेले तो मिसयूज नहीं होता था। हाँ जी, वो मिसयूज कनाइवेंस वाली बात आपकी भी ठीक है, लेकिन अब वो मिसयूज वाली बात भी सर हिस्ट्री बन चुकी है। अब तो एफपीआर के पास जो प्रैक्टिस हो रही है, जो भी हमारे साहब कारोबार करते हैं या जो लोग इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, आजर हैं, ताजर हैं, हजरात और कारोबारी और जो भी प्रोफेशनल है, उन सबको पता है कि अब तो एफबीआर के पास रियल टाइम इनवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम है। बायर और सेलर अपने पर्टिकुलर एफबीआर को हर मंथली बेसिस पे हर ट्रांजेक्शन वाइज दे रहे हैं। अब तो एफबीआर के पास कोई जवाब ही नहीं बचा कि कोई रजिस्ट्रेशन को मिसयूज करेगा तो अगर आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो मेरे ख्याल में एनटीएन की रजिस्ट्रेशन तो एक हफ्ते के अंदर आ जाती है, लेकिन सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो दो महीने, छह से आठ हफ्ते तक लगते हैं। अब किसी बिजनेस को होल्ड बैक करना कि वो छह से आठ हफ्ते रजिस्ट्रेशन का इंतजार करें, तो ये तो जाती होगी मेरे ख्याल में कारोबार के साथ। और क्या आप समझते हैं कोई टेम्पररी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, अगर वेरीफाई भी करें एफबीआर तो एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे दे, उसके बाद वो दो महीने वेरीफाई कर ले उसको। इसमें अनवर काशिफ सर जो आपने दो महीने का टाइम बताया ये तो बहुत ही आपने इख्तसार से बयान कर दिया। अच्छा। मेरी मालूमात के मुताबिक रीजनल टैक्स ऑफिसेज में एससीएससी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की दरखास्तें भरी हुई हैं जिनको तीन तीन चार चार माह गुजर चुके हैं। सही है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि कमिश्नर ऑफिस से वेरिफिकेशन, फिर इंस्पेक्टर साहब का प्रेमिसेस पे जाना, उस शख्स के कारोबार की तफसीलात पूछना आप क्या करेंगे, उसकी प्राइवेसी शेयर करना, मतलब तरह तरह की मुश्किलात हैं। इब्तदाई तौर पे जैसे मैंने अर्ज किया कि नादरा के शनाख्ती कार्ड के बाद मजीद जांच पड़ताल की जरूरत नहीं रहती, वो बंदा कहीं जा नहीं सकता। उसके बाद अगर आपने कोई वेरिफिकेशन करनी भी है तो उसको पोस्ट रजिस्ट्रेशन कर लें, जैसे भी कोई साहब आपके पास आए आप उनको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दें ताकि वो आसान तरीके से अपना कारोबार शुरू कर सकें। बाद में आपका कोई नुमाइंदा जाके वहां पे फिजिकली उनकी प्रेजेंस को इंश्योर कर ले, करना चाहता है तो वैसे ऐसा कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जाहिर साहब ये हो जाए तो इसलिए कि देखें बाज वक्त आप दोनों एंड्स पे थोड़े से प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स के केसेस में कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि वहां पे फिजिकली मशीनरीज थी नहीं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दे लिया और उसका बेनिफिट उठा लिया। तो मेरे ख्याल में वो रखें, लेकिन आप पहले इश्यू कर दें और उसके बाद आप जो है उनको वेरीफाई कर लें। अगर नहीं वो वहां पे मौजूद है, वेरिफिकेशन सही नहीं होती, तो आप उसको कैंसिल कर दें या रिवोक कर दें। जी ठीक है, आपका एक मुनासिब तजवीज है, लेकिन अनवर साहब आप देखिए कि अगर किसी बैंक में कोई मिस यूज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कभी बैंक अपने तरीकाकार नहीं बदलते। जी वो उसमें फैसिलिटेशन का और कस्टमर को जो सहूलत फराहम करने का निज़ाम है वो एज इट इज चलता रहता है, बैक एंड पे वो अपनी जो स्क्रूटनी है या चीजें हैं उनको बेहतर करते हैं। इसी तरह एफबीआर के साथ अगर कोई एक आध इंसिडेंट आपने बताया मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस के वाले से मिस यूज का निकला था, इट डज नॉट मीन कि आप सब लोगों को फिर मुश्किल में फंसा दें। हमारी तजवीज़ ये है कि जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन लेने आता है आप उसको टेम्परेरी तीन महीने के लिए रजिस्ट्रेशन इशू कर दें ताकि वो अपना निज़ाम शुरू कर सके, और उस तीन महीने के अंदर आप अपना वेरिफिकेशन का प्रोसीजर पूरा कर ले। अगर किसी की वेरिफिकेशन नहीं होती तो उसको कैंसिल कर दे, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। सही है। अब अगर इसी चीज को हम प्रोविंसेस में देखें तो एसआरबी और पीआरए में देखें तो एसआरबी डॉक्यूमेंट मांगता है, लेकिन पीआरए बगैर डॉक्यूमेंट के आपकी एप्लीकेशन पे आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो ये मतलब एक ही मुल्क जी
मैं आपको यही अर्ज करने लगा था, अभी वो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई पहले वाली, कि हमने बैंक की मिसाल दी, हमारे पास एक अपनी मिसाल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मौजूद है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी शनाख्ती कार्ड नादरा का पे रिलाई करता है, आप जैसे उनके पास रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं वो आपको विद इन मिनट्स रजिस्ट्रेशन इशू कर देते हैं, विद इन मिनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह उस महकमे को बने हुए 3 साल हो गए हैं, हमने नहीं सुना कि वहां पर किसी ने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसको मिस यूज किया है या उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम पेश आई है। लोग सर्विसेज का टैक्स पे करते हैं, इसी तरह से एफबीआर को टैक्स पेयर पे ट्रस्ट करना चाहिए और ये सिस्टम भी ट्रस्ट का है, आप उन पे ट्रस्ट करें, उन्हें जल्द से जल्द उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे, अप्रिशिएट करें और आने वाले को वेलकम करें, ना कि आने वाले को काम शुरू करने से पहले ही आप अपनी हरासमेंट दहशत और जो इस तरह की चीजें हैं उससे डराना शुरू कर दें। जाहिद हमें एक ब्रेक लेना है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन वापस आते बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में और क्या मसाइल हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह सहल किया जा सकता है और इन मसाइल की वजह से और इन कंबसन प्रोसेस की वजह से लोग किस तरह इस निज़ाम टैक्स के निज़ाम से दूर जा रहे हैं। हमारे मेहमान लाहौर स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, हम जो बात कर रहे थे टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन की, जाहिद साहब जी सर जी, मैं कह रहा हूँ हम जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन की, वो तो कानून में मौजूद है कि आप अगर 60 दिन के लिए आप रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं किसी को भी एप्लीकेशन फाइल, तो एफबीआर और ये बार इस पर क्यों नहीं या चैम्बर इस बात पे क्यों नहीं इंसिस्ट करते कि ये इसको लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, 5A है ये। जी अनवर भाई जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हमारे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं जी 2006, उसमें हमारा 5A जो एक रूल है वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन प्रोवाइड करता है सिर्फ मैन्युफैक्चरर की हद तक। जी हाँ, वो कहते हैं जो प्रोफेसर है वो 60 डेज के लिए हमसे प्रोविजनल जो है वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन ले ले, लेकिन प्रैक्टिकली सेल टैक्स का जो सिस्टम है इनका यहाँ से टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन एक भी इशू नहीं हुई। इनका ये मॉड्यूल जो है वो डिजाइंड ही नहीं है जो सॉफ्टवेयर है कि उसमें टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन इशू की जाए। हमने अभी रिसेंटली जो है एफबीआर के ऑफिशियल्स के साथ इस इशू पे दीगर इशूज के साथ मैटर टेकअप किया है, पहले भी उनको बारखा मरतबा का है। अब जो नए मेंबर आईटी आए हैं ख्वाजा अदनान साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, वो कहते हैं जी सिस्टम को देखते हैं फिर टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन कोई इशू कर सकते हैं तो करते हैं इशू। अच्छा, लेकिन आपको वही फेज याद है जब 3 महीने के लिए ऐसा निजाम आया था कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन 1-1 घंटे में आ रही थी, तो वो इस सिस्टम से पहले तो सर, वो जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखे माजी में एफबीआर इस किस्म के तजर्बात कर चुका है और उन तजर्बात से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर हमने एनटीएन जो है आज से 3 साल पहले जब आयरस का सिस्टम आया उसमें हमने 2014 में लोगों को अगर 1 दिन में या 3 घंटे में या 6 घंटे में या 12 घंटे में नेशनल टैक्स नंबर इशू किए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि कोई उसमें अदरवाइज प्रैक्टिस हुई है। तो वो फैसिलिटेशन करने से और उस दौर की आप प्रैक्टिस देखें, नंबर ऑफ टैक्स पेयर तब कई भरे हुए थे, लेकिन सालों में तो एफबीआर के नंबर नीचे जा रहे हैं। एफबीआर तो ये कहता है कि इस तरह हम अगर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन दे देंगे तो करोड़ों रुपए जो है इधर से उधर हो जाएंगे, करोड़ों रुपए का गबन हो जाएगा, करोड़ों रुपए टैक्स चोरी हो जाएंगे, तो वो तो इस तरह की पिक्चर पेश करते हैं हुकूमत को और इस निजाम को कहते हैं सस्टेन करता रहिए। जी वो सर जो पहले निज़ाम था जी वो था निज़ाम पुराना, अब रियल टाइम इनवॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत एफबीआर का निज़ाम चल रहा है। ये मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ कि रियल टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है। इसमें एक सेल को निंदा जो सेलर है वो जब तक अपना डिक्लेरेशन नहीं देता कि मैंने अनवर काशिफ साहब को ये फला फला चीज़ें बेची हैं, अनवर काशिफ साहब उस टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते, उन परचेजेस का क्रेडिट नहीं ले सकते। तो अब जो मौजूदा सिस्टम है इसमें वेरिफिकेशन प्रायर है और क्रेडिट बाद में है, तो अब वो जो खतरात एफबीआर को महसूस होते थे अब तो इस न्यू सिस्टम में खतरात बिल्कुल खत्म होने के बराबर रह गए हैं। ये नया सिस्टम तो 1 साल से लागू हुआ है तो जी अब और बड़े अहसन तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अब आप अपने निजाम पे इत्मीनान करना चाहिए और टैक्स गुजार के लिए सहूलत करनी चाहिए और नए आने वाले टैक्स गुजारों को एक ऑनरेबल तरीके से रजिस्ट्रेशन दे के उनको इज्जत देनी चाहिए। एक शख्स की आप तलाशी, आप क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए?
जी मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई टैक्स गुजार आपको ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट दे दे और नेशनल टैक्स नंबर दे दे, ये दो ऐसी मालूमात है जिसकी जांच पड़ताल ऑलरेडी हो चुकी है और एफबीआर के पास निजाम मौजूद है बैंक से भी और नादरा से भी, वो पहले उसको उसी वक्त वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर ये दोनों नोटिफाई हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर देना चाहिए और मजीद अगर कोई वेरिफिकेशन करनी है तो उसको साथ साथ करते रहे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पोस्ट वेरिफिकेशन के मैं कायल हूँ, मैं जो प्री रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन है उसको मैं अपोज करता हूँ, वो हैसल है और वो हर्डल क्रिएट करती है टैक्स गुजार के कारोबार शुरू करने में। और ये जो मैनुअल लोगों की अप्रूवल है इसको भी आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? जी ये मैनुअल अप्रूवल की कोई खास जरूरत सर रहती नहीं है, चूंकि आपका सारा ऑनलाइन की आप बात करते हैं, आप पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की यूज की बात करते हैं, तो मैनुअल वाली तो सर गुजारिश ही कोई नहीं रह जाती। सही है, कोई गुजारिश ही नहीं है। ये जो एफबीआर जो एक स्ट्रोक ऑफ पेन से लोगों के एसटीआरएन सस्पेंड कर रहा है आजकल, जिसपे आपको भी बड़े केसेस फेस करने पड़े होंगे, तो आप क्या समझते हैं एफबीआर को क्या तरीकेकार इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि लॉ में एक प्रोसीजर वजह है उसके बावजूद भी ये इस बात से रुकते नहीं है, लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं एसटीआरएन नंबर? जी सर, इसमें ये एक बड़ा हॉट इशू है और इसके ऊपर आपको मैं अपने आपके तवसल से अपने नाजरीन और जो भी इससे मुतलका हमारे प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन हैं उनको तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस पर अब तो कोर्ट्स की जजमेंट भी आ गई है और उसमें उन्होंने क्राइटेरिया भी लेड डाउन कर दी है कि किन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इस पावर को इस्तेमाल करना है। इस पावर को आपने छोटी छोटी बुनियादों पर नहीं यूज करना, ये तो एक एक्सट्रीम पनिशमेंट है, किसी भी शख्स का सस्पेंशन कर देना ये एक एक्सट्रीम जो है वो है। अगर किसी ने छोटी मोटी कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है जो कि अदरवाइज कानून में दिए गए तरीकाकार के तहत ठीक की जा सकती है, तो उस तरीकाकार को अडॉप्ट करना चाहिए। डायरेक्टली सस्पेंशन जो है इसको अदालतों ने भी डिस्करेज किया है और अब तो एफबीआर के जो हाई अप्स हैं वो भी फील्ड फॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि छोटे छोटे केसेस में, छोटी छोटी मामलात में इस पावर को एक्सरसाइज ना किया जाए। लेकिन मैखान में वो इसको एक्सरसाइज देता हूँ, इससे लोगों का बिजनेस जो है वो स्टेक पे आ जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन हो गई, अब टैक्स पेयर जो है वो रिटर्न फाइल करने की तरफ जा रहा है, एक साल बाद उसने रिटर्न फाइल करने हैं, तो हमारे यहाँ आज तक टैक्स रिटर्न जो है वो टाइम पे नहीं आते हैं। आज भी अगर आपने देखा होगा तो ये अगस्त में रिटर्न आए हैं और उन्होंने 30 सितंबर कर दिए, तो अब ये जो मामला है ये किस तरह हल हो सकता है और आप क्या समझते हैं टैक्स रिटर्न के लिए कितना टाइम, एक तो लॉ में टाइम वजह ही है लेकिन ये कि क्या रिजनेबल टाइम चाहिए हमें? ये इसमें अनवर भाई लॉ के अंदर हमें 90 डेज का टाइम लॉ ने प्रोवाइड किया है। एफबीआर ने 17 अगस्त को जो है वो नोटिफिकेशन इशू किया है इस गोशवारे का जो रवा साल के लिए हमने दाखिल करना है, तो हमारे पास जो बाकी वक्त बचता है वो 1 महीना और 13 दिन बचते हैं। इसलिए एक तो पहली बात के 17 अगस्त को जब गोशवारा आएगा तो 30 सितंबर का टाइम वो कानूनी तौर पर हमें 90 दिन तो चाहिए 17 अगस्त के बाद। 17 अगस्त से वो काउंटिंग शुरू होगी लिमिटेशन की, जिस डेट से आपने गोशवारा दिया है तो 90 दिन का टाइम रीजनेबल है। इनको चाहिए एफबीआर को के जुलाई के फर्स्ट वीक में गोशवारा दे दे ताकि जो लोग अपने रिटर्न टाइमली फाइल करना चाहते हैं कर सके। जाहिर साहब, हर साल नया फॉर्म आना जरूरी है? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर साल नया फॉर्म आना जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि फाइनेंस एक्ट के अंदर बाज़ुकात कोई टैक्स की रेट से रिलेटेड या रिटर्न में जो डेक्लेरेशन जाना होता है उन कवानीन से रिलेटेड, कायदों ज़ाबत से रिलेटेड तब्दीलियां होती हैं, उन तब्दीलियों को इनकॉर्पोरेट असल में करना मकसद होता है, तो इस ज़िमन में रिटर्न को आमतौर पर हर साल नया दिया जाता है। वैसे लॉ की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हर साल नया गोशवारा इशू करें, बल्कि आप जो है एक ऐसा गोशवारा भी इशू कर सकते हैं जो कि 10 साल 8 साल के लिए चलता रहे, वो जो मामूली तब्दीलियां हैं वो तो जिस साल के लिए पिछले साल की रिटर्न है, जिसकी बजट है, जिसका रिटर्न आप जा रहे हैं वो तो उसी वक्त भी की जा सकती है। यही मैं कह रहा हूँ, एफबीआर को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो 1 जुलाई को रिटर्न देना चाहे तो। एग्जैक्टली, तो वो एडवेंचर जो नया करते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में डिलेज होते हैं और ये डिलेज जो है फिर अल्टीमेटली टैक्स रिटर्न डिले होता है, टैक्स रिटर्न डिले होता है, टैक्स पेमेंट डिले होते हैं और गवर्नमेंट एक्सचेकर में पेमेंट नहीं आती। लेकिन इस पे कोई किसी को पूछने वाला टैक्स चेकर में पेमेंट नहीं आती, गवर्नमेंट नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। एक अनवर भाई मैं ये भी गुजारिश कर रहा था कि इनका सिस्टम भी जो है वो लिमिटेड टैक्स पेयर्स को इजाजत देता है पर डे चलाने के लिए, यूजर फ्रेंडली नहीं है। जब आप टाइम थोड़ा कर देते हैं कंजेशन हो जाती है, सारे प्रोफेशनल्स उस सिस्टम को यूज करते हैं, यूजर का नंबर ज्यादा होता है तो वो सिस्टम फिर बैठ जाता है, फिर वो इतना एफिशिएंटली आपको डिलीवर नहीं कर पाता, जो 10 मिनट का काम है वो 2 घंटे में होता है, तो लोग भी बेजार आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स भी बेजार आ जाते हैं और एफबीआर को टाइमली टैक्स भी नहीं मिल पाता। लेकिन मैं अगर रिटर्न लेट फाइल करता हूँ
तो मुझ पर तो आप पेनल्टी लगाते हैं, डिफॉल्ट सरचार्ज लगाते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न जो लेट लेके आता है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। जी ये FBR में जो मुतलका लोग हैं चेयरमैन साहब को चाहिए कि उनको टास्क दें, और अगर उसमें वो डिले करते हैं तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल रिस्पेक्ट का मैटर होता है। आपने पूरे मुल्क के टैक्स गुजारों को एक रिटर्न टाइमली देनी है, और जितने इसमें कंसल्टेंट्स और टैक्स एडवाइज़र और एडवोकेट्स इन्वॉल्व हैं प्रैक्टिस में, वो सबको आप 2 महीने के लिए बिठा छोड़ते हैं खाली हाथ, और बाद में जो है वो एम्पल टाइम ही नहीं मिलता। और फिर इस तरह से रिफ्ट बार की और FBR की रिफ्ट भी इन इश्यूज पे बढ़ जाती है। और आपके तो इल्म में है, पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट भी लाहौर टैक्स बार की तरफ से फाइल की गई थी कि हमें पूरा 90 डेज का टाइम नहीं मिला, जबकि मेंबर साहब टाइम बढ़ाने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे। नहीं, से बचना चाहिए। जो बात है वो ये है कि आप ये तो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन आपने ये सवाल नहीं किया कि अकाउंटेबिलिटी कौन है इस बात का, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल नहीं किया जाता। ये जिम्मेदारी सर डायरेक्ट जी, ये मेंबर ऑपरेशंस जो हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। वो चेयरमैन साहब को पता है कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि ठीक है। जाहिर साहब हम इस पे बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं अपने मौजू पे कि किस तरह इस निजाम को बेहतर किया, टैक्सी निजाम को बेहतर किया जाता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टैक्स के निज़ाम में कैसे बेहतरी आ सकती है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से, टैक्स रिटर्न टाइम पे आना चाहिए। हम अपने गेस्ट से बात करते हैं जो लाहौर स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जाहिर साहब जी, सर जी, आपकी बात जो हम कर रहे थे कि 90 दिन का टाइम होना चाहिए और आपने रिक्वेस्ट की लाहौर टैक्स बार ने, वो तो बिल्कुल एक जेन्युइन रिक्वेस्ट थी क्योंकि आप टैक्स पेयर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बात यह है कि किसी लेवल पे इसको भी होना चाहिए कि 8 साल की क्या एक गोरख धंधा है कि आप जो है अगस्त में रिटर्न लेके आते हैं विदाउट एनी रीजन। मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आता आज IT के दौर में कि आप अगस्त तक रिटर्न को लेके जाते हैं और फिर ये डेट्स बढ़ती रहती हैं। तो इस पर कुछ आप लोग कोई बात करें और इस पर कोई मेरे ख्याल में सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए। अनवर भाई आप बिल्कुल बजा बात कर रहे हैं, असल में एक सर्टनिटी होनी चाहिए कि लोगों को यकीनी सूरत हाल का पता हो जी कि आज कट ऑफ डेट है, ये मेरा रिटर्न मेरे वकील के पास फलां डेट तक आया हुआ है। अब चूंकि ये डेटें एक्सटेंड होती रहती हैं इसलिए टैक्स गुजार भी इंटरेस्ट नहीं लेता, हर टैक्स गुजार कोशिश करते हैं ठीक है बाद में देख लेंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। FBR की इस इनएफिशेंसी की वजह से और FBR की इस डिले की वजह से जो टैक्स गुजार की वो इंपॉर्टेंस और जो फिक्र है वरीज कम हो जाती है रिटर्न फाइलिंग के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये टैक्स का गोशवारा सादा भी होना चाहिए। हम प्रोफेशनल्स इस बात को समझ हैं कि आम आदमी जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना ज्यादा मालूमात वाला गोशवारा देख के अपने आप को अवॉइड करता है इससे। टैक्स की रिटर्न बिल्कुल सादा होनी चाहिए, उसमें 3-4 मालूमात, आपकी आमदनी कितनी है, उस पर टैक्स कितना बनता है, आप कारोबार क्या करते हैं, 3-4 मालूमात पूछनी चाहिए। और कोई ऐसे लोग जिनकी मालूमात आपके पास हो गए वो रिटर्न ठीक नहीं दे रहे, उनको ऑडिट के जरिए स्क्रूटनी में लेके जाना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न से भी काफी लोग बेजार हैं और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मालूमात के साथ दे तो आपका मतलब यह कि रिटर्न फाइलिंग करते हुए सिंगल फॉर्म हो, जो मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले लें, जब ऑडिट में आप सेलेक्ट करें तो उस वक्त आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो उसे सीख कर लें। जी FBR का कहना है कि इनके पास हर शख्स के बारे में मालूमात अवेलेबल है कि उसके कितने अकाउंट्स हैं और क्या इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कितना ये बिजनेस कर रहा है, तो आप डिक्लेरेशन मिनिमम मालूमात के साथ लें, और अगर आपकी जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे क्रॉस मैच में वो नहीं ठीक उतरती तो उसको ऑडिट में स्क्रूटनी कर लें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे और आप कम मालूमात के साथ सिंपल फॉर्म में रिटर्न लोगों से मांगेंगे तो उसमें जो है वो रिटर्न अच्छा आपको ज्यादा रिटर्न आएगा। अब आप माशाल्लाह रिटर्न भी देखें, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन आप ये देख रहे हैं एक ही टैक्स पेयर का ऑडिट हो रहा है तो और वो अचीव कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो जिस जगह जिस FBR के नाक के नीचे ये काम हो रहा है तो वो FBR ये कैसे सोच सकती है कि वो एक सिंगल पेज के फॉर्म से काम चला ले। सर अगर आप इस रिटर्न के साथ भी आपकी अचीवमेंट कोई नहीं, इस रिटर्न के साथ आपने लोगों से उनके घर के मुलाजमीन, उनकी फॉरेन ट्रैवलिंग, उनके बच्चों की एजुकेशन, प्राइवेट फंक्शंस, क्लब के एक्सपेंडिचर को ये आपने इतने किस्म के अखराजात पूछ लिए लोगों से कि अब वो लोग घबराते हुए अपना रिटर्न फाइल नहीं करते, ठीक है। और FBR के पास अगर देखे ना उस घबराहट की वजह से गोशवारा नहीं आया तो नुकसान क्या हुआ कि ड्यू टैक्स भी ना मिला,
अब लोग कहते हैं जब एफबीआर पूछेगी फिर रिटर्न फाइल करेंगे, गोशवारा आ जाएगा। जाहिर साहब हमें प्रोग्राम क्लोज करना, प्रोग्राम क्लोज, बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वक्त किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। नाज़रीन ये हमने आज बात की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, टैक्स रिटर्न के हवाले से, अब आपको चाहिए कि टैक्स अपना जो है वो रिटर्न फाइल करें, टैक्स अपना ड्यू टैक्स दें, इसलिए कि इस मुल्क को ज़रूरत है टैक्स की, इस मुल्क को अपने पैर पर खड़े होने के लिए टैक्स की ज़रूरत है। अगर आप अपना टैक्स देंगे तो पाकिस्तान एक मजबूत और माशी तौर पर मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आएगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।